हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हाय, आई एम अंजलि एंड इस चैनल पर हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड लाइफ इन जनरल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, वी हैव राखी, वी हैव जन्माष्टमी और भी बहुत सारे त्यौहार लाइंड अप हैं, राइट? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन से फेस्टिव आउटफिट्स हैं जो आप पहनकर इन त्यौहारों पर रॉक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला आउटफिट। सो गाइस, फर्स्ट मैंने जो आउटफिट पिक किया है वो है प्यारा सा बर्गंडी कलर का ये कुर्ता सेट जो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। एंड ओ माय गॉड, लुक एट द कलर, इतना सुंदर कलर है इसका। पहनने के बाद में बहुत प्यारा लग रहा था। इसके नेक पर इस तरह का जरी वर्क किया गया है, इफ़ यू कैन सी, बहुत सुंदर सा जरी वर्क किया गया है जो चेस्ट पार्ट तक आता है, पूरा भरा भरा गला है। तो फेस्टिव आउटफिट एकदम अप्रोप्रिएट है, रक्षाबंधन या फिर जन्माष्टमी या किसी भी फेस्टिवल पे आप आराम से कैरी कर सकते हैं। कॉटन इसका फैब्रिक है, 3/4 स्लीव्स का है। स्लीव्स पर भी इस तरह का ना गोटा पत्ती का काम किया हुआ है, तो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा था पहनने के बाद में। ट्राई ऑन में आपको दिख जाएगा। एंड जो लेंथ है इस कुर्ते की वो भी बहुत अप्रोप्रिएट है, एकदम छोटा नहीं है, प्रॉपर नीज से नीचे आता है। काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, कंफर्टेबल टू वेयर है। जो चिपचिप वाली गर्मी होती है ना, उसमें इस तरह के कुर्ते को आप आराम से कैरी कर सकते हो। अगर हम बैक की बात करें तो इस तरह से इसका नेक आता है, फुल्ली कवर्ड नेक है, आपको पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी डिसेंट पीस है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके पैंट की, तो इस तरह का पैंट इसके साथ मिल जाता है। पार्शियली इलास्टिकेटेड पैंट है, यहाँ पर इस तरह की बेल्ट दी गई है एंड पीछे साइड में इसमें इस तरह का इलास्टिकेटेड काम है। इसे मैंने मीडियम साइज़ में मंगाया था, मुझे कुर्ता भी एकदम परफेक्टली फिट आया है एंड इसका जो पैंट है वो भी परफेक्टली फिट आया है। काफ़ी अच्छा पैंट है इसका, कपड़ा बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल टू वेयर है। एंड जो पैंट है इसका, इसकी लास्ट में भी इस तरह की गोटे की लेस दे रखी है, पहनने के बाद में बहुत प्यारा सा लुक आ रहा था। एंड गाइस, मोर ओवर दुपट्टा, ओ माय गॉड, यूजुअली क्या होता है कुर्ता सेट्स अगर हम खरीदते हैं तो कुर्ता अच्छा आ जाता है, पैंट भी अच्छा आ जाता है, बट दुपट्टे की या तो लेंथ कम होती है, विड्थ कम होती है, या फिर उतना ग्रेसफुल दुपट्टा नहीं आता है। बट इस कुर्ता सेट के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी, इतना सुंदर सा शिफॉन मटीरियल का ये दुपट्टा है, बहुत प्यारा है, लेंथ भी बहुत अच्छी है, विड्थ भी बहुत अच्छी है। एंड इस तरह का यहाँ पे गोटे की लेस जो हमारे पैंट पे और जो कुर्ते की स्लीव्स में लगी हुई थी लेस, वो भी यहाँ पे दे रखी है। सो गाइज, अगर आपको ये कुर्ता सेट पसंद आया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। सावन का महीना और ग्रीन कलर ना पहनो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैंने पिक किया है अगेन अमेज़ॉन से और ग्रीन कलर का ये कुर्ता सेट है। ग्रीन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन तो एवरग्रीन है, राइट? सो लेट्स सी कैसा दिखता है ये कुर्ता सेट। ये जो कुर्ता है बहुत सुंदर सा ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का ये कुर्ता है एंड इस तरह का मरून काम इसके ऊपर कर रखा है। आई वुड से पैच वर्क है, यहाँ पे आई कैन शो इट टू यू, इस तरह का पैच वर्क इसके कुर्ते पे दे रखा है। बहुत सुंदर कलर है इसका, ग्रीन और मरून के कॉम्बिनेशन में ये आता है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। एंड अगर हम मटेरियल की बात करें तो कॉटन मटेरियल का ये कुर्ता सेट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टू वेयर है और गर्मी में, बारिश में आप आराम से इसको पहन सकते हैं। इनफैक्ट पूरा दिन आप अगर इसको पहने रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल फैब्रिक है इसका। अगर हम कुर्ते की नेक की बात करें तो राउंड नेक है, इस तरह का पैच वर्क किया गया है एंड 3/4 स्लीव्स हैं इस कुर्ते की। यहाँ पर भी जो सेम पैच वर्क नेक पर किया गया है, वही पैच वर्क यहाँ पर स्लीव्स पे भी किया गया है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आ रहा था। अगर हम बैक की बात करें तो बैक एकदम प्लेन है, हाउएवर जो गला है बहुत डीप नहीं है, तो आप कंफर्टेबली इसको कहीं पे भी पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। मैंने इसको स्टाइल किया है अपनी रेड कलर की इयररिंग्स के साथ में, बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम फेस्टिव वाइब्स आ रही थी मुझे। आप मेहंदी लगाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये पहनने के बाद। अगर हम बात करें इसके पैंट की, तो पार्शियली इलास्टिकेटेड पैंट है इसका, आगे से इसमें इस तरह की बेल्ट दी गई है एंड पीछे से इलास्टिक दे रखी है। पहनते टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आराम से मैंने इसको पहन लिया था। मैंने इसे परचेज़ किया है मीडियम साइज़ में, तो साइज़ एकदम परफेक्ट आया है मुझे। एंड अगर आप पैंट देखें तो इसकी लेंथ भी एकदम प्रॉपर है, पलाजो पैंट्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा चौड़े तो नहीं है, बट हाँ एक प्रॉपर डिसेंट विड्थ है इन पैंट्स की। एंड लास्ट में भी इस तरह का काम हो रखा है, जो पैच वर्क हमें स्लीव्स पे या नेक्स पे मिला था देखने के लिए, सेम पैच वर्क हमारी पैंट पे भी हो रखा है।
एंड इट गिव्स रियली रियली नाइस फेस्टिव वाइब्स। ये मरून कलर का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। इसके एंड में इस तरह का गोल्डन जरी का काम किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई थिंक ये रॉ सिल्क मटेरियल में है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इवन आप इसे दूसरी कुर्तीज़ के साथ में, जैसे वाइट प्लेन कुर्ती अगर आपने पहन रखी है, आप प्लेन ब्लैक कुर्ती, प्लेन गोल्डन कुर्ती, उन सभी के साथ में ये दुपट्टा भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा देखने के बाद में। एंड आई थिंक इट्स अ गुड बाय फॉर श्योर। फेस्टिव सीजन्स में अगर आप इस तरह के ग्रीन रेड्स कलर पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसे पेयर किया है अपनी चप्पल्स के साथ में, आप चाहे तो गोल्डन हील्स के साथ में भी इसे पेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस कुर्ता सेट तो लिंक्स मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये आउटफिट्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन्हें और किस तरह से स्टाइल किया जा सकता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं यहाँ लिंक कर रही हूँ, प्लीज़ डू चेक आउट माई स्टाइलिंग वीडियोज़। एंड वहाँ पर मैं बहुत सारे डांस वीडियोज़ भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता यूट्यूब की तरह। सो प्लीज़ चेक आउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज वेल। नेक्स्ट मैंने पिक की है ये बहुत प्यारी सी साड़ी। आप सोच रहे होंगे कि कुर्ता सेट्स तो दिखा दिए, बट हम कुर्ता नहीं पहनना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ड्रेस अप अ लिटिल बिट, तो इसलिए मैंने पिक करी है ये बहुत सुंदर सी साड़ी मिंत्रा से। आई शो यू, इसका बहुत प्यारा पर्पल कलर है और लाइन्स हो रही है इस पर ब्लैक कलर से। इस तरह की ये साड़ी है, पहनने के बाद आपको ट्राई ऑन में दिख रही होगी कैसी लग रही है पहन के। एंड यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी स्ट्राइप्स हो रखी हैं। कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, इनफैक्ट मैंने इसको अराउंड आई थिंक 6 to 7 hours के लिए कंटिन्यूसली पहना था, बहुत ही कंफर्टेबल टू वेयर है। इसके साथ आपको ब्लाउज़ का मटेरियल मिलता है जो आपको सिलवाना पड़ेगा, मैंने स्टिच कराया है ब्लाउज़, सो आई शो यू। इस तरह का इसका ब्लाउज़ है, बहुत ही शिमरी प्यारा सा ब्लाउज़ है। मैंने इसकी 3/4 स्लीव्स सिलवाई हैं एंड पीछे से मैंने इस तरह का इसका नेक करवाया है, डोरी लगवाई है। आप चाहे तो इसे स्लीवलेस ब्लाउज भी बनवा सकते हैं, बट क्योंकि इस पर थोड़ा काम था तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट अ लिटिल बिट, इसलिए मैंने इसको 3/4 स्लीव्स में बनवाया है। एंड आगे से मैंने इसका स्क्वायर नेक रखा है, तो आप चाहे तो इसको अपनी किसी भी मनपसंद डिज़ाइन में टेलर से सिलवा सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है पहनने में। इसके साथ में आती है एक बहुत सुंदर सी बेल्ट, आई विल शो इट टू यू। बहुत सुंदर सी इसके साथ में बेल्ट आती है, तो आप चाहें तो इसे बेल्ट के साथ में पहन सकते हैं, पिनअप कर लीजिए पल्ला और आप बेल्ट लगाएंगे तो बहुत सुंदर लुक आएगा। इवन आप इसको विदाउट बेल्ट भी फ्री पल्ले के साथ में पहनेंगे तो भी डिसेंट लुक आएगा। मैंने दोनों तरीके से ट्राई करके देखा, बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि सिर्फ एक चीज़ मुझे जो ड्रॉबैक लगा इसमें, क्योंकि इसका अनस्टिच्ड मटेरियल था, आई एम नॉट श्योर ये मेरे टेलर की मिस्टेक है या फिर कपड़ा इसका ख़राब है, जो जब मैंने इसको पहना तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से चुभ रहा था। सो आई थिंक जो मेरे टेलर हैं उन्होंने शायद अस्तर इतना अच्छा यूज़ नहीं किया, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वेन एवर इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर इट ऑनलाइन, तो जब आपके पास रिसीव हो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ब्लाउज़ आपको कम्फर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा चुभ रहा था टू बी ऑनेस्ट।